Hi guys, welcome back to my channel. I hope इस lockdown में you guys are doing absolutely safe and fine और आप घर वालों के साथ बढ़िया से time spend कर रहे हैं. एक सवाल जो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं वो है सर FPS के बारे में बताओ. What is FPS? तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो I am Praveen Bhatt. I'm a celebrity fashion photographer and director based out of Delhi. और यहाँ पे मैंने link डाला हुआ है मेरे गानों का. जितने भी गाने मैंने direct किए हैं इस link पे आप click करेंगे तो सारे music videos आप देख सकते हैं. और लेटेस्ट जो अभी तीन दिन पहले जो कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे मैंने गाना शूट किया था तेरे नाल तुलसी कुमार एंड दर्शन रावल के लिए हो गया है 18 मिलियन व्यूज यूट्यूब पे. तो वो भी आप जरूर चेक करना और अपने कमेंट्स बताना कि आपको वो वीडियो कैसा लगा. तो गाइस फ्रेम रेट्स की बात करें अक्सर हम सारे फिल्म मेकर्स जो हैं या एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स ये सुनते हैं यार ये 24 FPS 30 FPS 60 FPS ये FPS एक्चुअली है क्या या क्या सही फ्रेम है हम जैसे फिल्म मेकर्स को राइट फ्रेम्स कौन से और कब शूट करने चाहिए. आपको ये जान के बड़ी हैरानगी होगी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ये जो हम वीडियोस देखते हैं ये वीडियोस नहीं होती ये बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ इमेजेस होता है जिनको हम बोलते हैं FPS नंबर ऑफ इमेजेस टेकन पर फ्रेम. और ये इमेजेस को अगर आपको याद हो जो हम बचपन में पहले वो फ्लिप बुक्स भी देखते थे जिसके अंदर हम वो पेजेस पलटाते रहते थे जल्दी से ऐसा लगता था कि बॉल या बंदा चल के आ रहा है बैठ रहा है उठ रहा है सो रहा है जो भी हम देखते हो फ्लिप बुक्स वही इमेजेस को अगर आप जल्दी से ज्यादा नंबर ऑफ टाइम ऑफ फ्रेम्स में अगर हम उसको फ्लिप करके देखते हैं वही चीज एक्चुअली हमारे ये FPS हैं. और इंटरनेशनली अगर हम बात करें जो फिल्म शूट होती है उनका एक स्टैंडर्ड साइज रहता है स्टैंडर्ड सेट जो फ्रेम रहता है वो होता है 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे. तो जितने भी हम ये वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं एक्चुअली ये सारी इमेजेस ही हैं जो हम देख रहे हैं और वो कितने फ्रेम्स पे शूट करी गई हैं दिस इज ऑल अबाउट FPS. जैसा मैंने बताया 24 तो एक स्टैंडर्ड साइज है शूटिंग करने का. हम आगे देखते हैं 30 फ्रेम्स भी हैं 50 है 60 है. तो जितनी ज्यादा फ्रेम रेट्स आप बढ़ाएंगे उतने सेकंड्स में वो नंबर ऑफ इमेजेस का जो शूट करने का वो है वो ज्यादा हो जाएगा एंड यू विल सी अ स्मूदर एंड ज्यादा फ्रेम लिए गए इमेजेस. लॉट ऑफ पीपल शूट इन 60 फ्रेम्स 100 फ्रेम्स. मैं नॉर्मली अगर आप देखो मैं स्टैंडर्ड साइज 24 पे ही शूट करना पसंद करता हूँ. 60 वाले में आपको जगह भी ज्यादा चाहिए होती है ज्यादा स्टोरेज खाता है ज्यादा फ्रेम्स भी शूट किए जाते हैं तो उससे फाइल्स वगैरह बहुत हैवी हो जाती हैं. लेकिन 60 फ्रेम्स या 100 फ्रेम्स तो हमें चाहिए उस टाइम पे जब हमें एक्स्ट्रा स्मूथ शॉट्स चाहिए हमें स्लोमो शॉट्स चाहिए जिसको हम बाद में अपनी टाइमलाइन पे लाके सेट करके एडिट कर सकें. बहुत बारी आपने देखा होगा म्यूजिक वीडियोस में भी कि आप देखते हैं आर्टिस्ट को एकदम स्लो मोशन में एंट्री करते हुए आ रहे हैं या आप देखते हैं कि आर्टिस्ट स्लो मोशन में गाना गा रहे हैं तो वो होता क्या है उस टाइम पे जो फ्रेम रेट्स हैं वो FPS जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं और उस फ्रेम को प्रॉपर मैच करने के लिए गाने की स्पीड के साथ गाने की स्पीड को कर दिया जाता है डबल. तभी वो डबल स्पीड करने के बाद आप हायर फ्रेम रेट पे उसको शूट करते हैं और उसको बाद में जब हम टाइमलाइन पे एडिट करते हैं उसको प्रॉपर एडिट करते हुए वो ऑडियो जो 2x पे किया गया होता है उसके साथ वो मैच करा दिया जाता है. तो जितने ज़्यादा फ्रेम्स होंगे उतने ज़्यादा स्मूथ आप स्लो मोशन में उसको कर सकते हैं बिकॉज वो उतने ही टाइम फ्रेम पे नंबर ऑफ फ्रेम्स शॉट पर सेकेंड जो इमेजेस हैं वो ज़्यादा हो रही हैं. सो दिस इज़ द होल आइडिया बिहाइंड द FPS. और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊं वीडियो डिस्कस करूं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड स्टे सेफ. थैंक यू बाय बाय.